हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी एक बार फिर से वेलकम है आप सबका मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग में। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आ रही है तो बस इसीलिए मैं ये लड्डू आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। बहुत जल्दी बनेंगे, बहुत यमी बनेंगे तिल और गुड़ के लड्डू, और बहुत इजी है इन लड्डू को बनाना। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और रेसिपी को जरूर से एक बार बनाइएगा। लड्डू को बनाने के लिए गैस पे रखा है अभी हमने एक पैन, और पैन में बिना घी तेल के कुछ भी नहीं डालना है। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 कप सफेद वाले तिल। तिल को हमने एक बार बीन लिया है, वैसे तो इस तिल में कुछ नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा देखना सही रहता है कि अगर एक आध कंकड़ हो या कुछ भी गंदगी हो तो तिल में से निकल जाए। और अब मीडियम फ्लेम पर तिल को लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट हम भून लेंगे। भूनने से क्या होता है, एक तो तिल में बहुत ही सोंधापन आ जाता है, लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं। लेकिन इसको लगातार चलाइएगा और इसको लगातार चलाते हुए ही भूनिएगा। देख सकते हैं 3 से 4 मिनट में तिल हमारे अच्छे से भुन गए हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए तिल का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और तिल को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं जिससे तिल हमारे थोड़े से ठंडे हो जाएं। अब हमने गैस पर रखी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 टीस्पून देसी घी। घी को पिघल जाने देते हैं, घी मेल्ट हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 कप गुड़, ये मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है। 2 कप हमारे तिल थे तो हम 1 कप गुड़ डालेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे। बाकी इसमें पानी हमें बिल्कुल एक बूंद भी नहीं डालना है, और गुड़ को चलाते हुए या इस तरह से तोड़ते हुए हम इसको पूरा मेल्ट करेंगे। देख सकते हैं गुड़ हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है, और हमें इसमें 1 या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है। बस गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें हल्का सा झाग आने लगे, बस हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे तिल को मिलाते हुए। तो अभी 1-2 मिनट हम और इसको मेल्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं गुड़ हमारा बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और गुड़ में झाग आने लगे हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ गुड़ इस तरह से गिरना चाहिए, ये देखिए बिना टूटे ये लगातार गिर रहा है लेकिन इसमें कोई तार नहीं बना है। तो बस अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने वो तिल जो हमने भून के रखे हुए हैं। सारे तिल को इसमें ऐड कर देते हैं, मिक्स करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर करना, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है पूरा गुड़ के अंदर तिल, और अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। मिक्सचर को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, और आप ध्यान रखिएगा इस लड्डू को हमें गरम गरम ही बांधना है। तो थोड़ा सा मिक्सचर हम आगे कर लेते हैं, हाथों पे लगा लेते हैं घी, अच्छे से हाथों को घी से ग्रीस कर लीजिए। और जितने बड़े आपको लड्डू बनाने हो बस इसको इस तरह से बनाकर आप तैयार कर लीजिए। बहुत इजी है तिल और गुड़ के लड्डू बनाने। मकर संक्रांति आने वाली है फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग जरूर इस बार घर पे शुद्ध सफाई से अपने हाथों से लड्डू बनाकर तैयार करें। ये देखिए इसको हाथों से थोड़ा सा गोल गोल घुमा दीजिए जिससे ऊपर से बहुत चिकने लड्डू बनके तैयार होते हैं। और ये देखिए लड्डू कितना इजी है बनाना। इसी तरह से हम अपने सारे लड्डू बनाएंगे, हाथों पे घी को लगाएंगे, थोड़ा सा मिक्सचर आगे करेंगे, और ध्यान रहे कि मिक्सचर ठंडा ना होने पाए, इसलिए एक साथ सारे मिक्सचर को आगे नहीं करेंगे, इकट्ठे में रहेगा ना तो मिक्सचर हमारा गर्म रहेगा। और इस तरह से हम सारे लड्डू बना के अपने रेडी कर लेते हैं। ये देखिए ये लीजिए रेडी हैं, मात्र 10 मिनट भी नहीं लगा बनके तैयार हो गए तिल और गुड़ के लड्डू। वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स, तो लाइक कमेंट और अपनों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे, मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।